So now we are starting with the chapter that is estimation of working capital. See, in this working capital we have two parts. First we have discussed for calculating the operating cycle and or you can say working capital introduction. In this I will be telling you how much amount of money is required for working capital. So this you can take it as a second part also. See, simple meaning is जब भी हमें वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि हमें कितना अमाउंट मेंटेन करना है ताकि हमारे जो डे टू डे ऑपरेशंस है वो चलते रहे। ऑपरेटिंग साइकिल में हमने सीखा था कितने दिन के लिए पैसा ब्लॉक होगा। यहां पर हमें चाहिए कि कितने दिन के लिए, जैसे हम कहते हैं पैसा ब्लॉक होगा या जितना अमाउंट हमें चाहिए ताकि हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मेंटेन कर सकें। तो ये फर्म को एडवांस में पता करना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है ताकि उसके जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथ चलते रहें। बेसिकली हमारे इसमें तीन मेथड्स हैं, वो मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगा। जैसे फर्स्ट मेथड इसके अंदर होता है वर्किंग कैपिटल को एस्टीमेट करने का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। द फर्स्ट मेथड टू एस्टीमेट वर्किंग कैपिटल इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। पहले आप सुन लीजिए फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में क्या होता है, बेसिकली वो कहता है कि जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मीन डब्ल्यू सी, इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ सेल। कि कितनी सेल्स है उसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि हमें वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। ठीक है, जनरली ये हम आपको परसेंटेज में हम निकालते हैं कि हमें कितना चाहिए। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमें करंट एसेट्स कितने चाहिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट एस्टिमेट, करंट एसेट्स वी नीड टू एस्टिमेट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेकेंड, करंट लाइबिलिटी, बिकॉज हमें पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। जनरली अगर आपको पता है नेटवर्किंग कैपिटल, दैट इज सी ए माइनस सी एल। तो लास्ट पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये इसका फर्स्ट मेथड है वेयर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हमें वर्किंग कैपिटल किस बेसिस पे चाहिए। तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो पहले मैं आपको ये समझा, इसके बारे में लिखवाता हूं, फिर मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं। लिखिए आप इसके अंदर, पहले तो आप नॉर्मली लिख लीजिए इसका इंट्रोडक्शन। अ फर्म मस्ट एस्टिमेट इन एडवांस, एज टू how much net working capital, will be required, how much will be net working capital required for smooth operations of for smooth operations of the business, there are different approaches to estimate working capital. सबसे पहली आपको क्या बताई थी मैंने, that is working capital as a percentage of sales, जहां मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ डेटा पे वो डिपेंड करती है कि सेल्स का वॉल्यूम ऑफ डेटा कितना है। तो लिखिए, this approach is based on, ये मैं आपको कंप्लीट नोट दिखा रहा हूं, this approach is based on the fact that working capital, it is based on the fact that working capital for any firm is directly related to is directly related to
sales volume of that firm, sales volume of that firm, full stop. So working capital, so working capital requirement is expressed as the percentage of expected sales for a particular period. Basically, there are three steps जो मैंने अभी आपको बताए भी थे. There are three steps. Number one, the firm must estimate. Total current assets, CA stands for current assets, as a percentage of estimated net sales, पहले current assets, second point same, then firm must estimate total current assets की जगह क्या हो जाएगा, current liability, as a percentage of estimated net sales, same point. Third, the difference between, आपको पता ही है करंट नेटवर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, द डिफरेंस बिटवीन द अबव टू, द अबव टू इज नेट वर्किंग कैपिटल, नेट डब्ल्यू सी एज अ सेम परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड नेट सेल्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, यही आपको बताया था. और नेट वर्किंग कैपिटल का भी मतलब आपको यही बताया था कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसीलिए इन्होंने डिफरेंस लिख दिया यहां पे, ठीक है. सेकेंड जो इसका पॉइंट होता है, वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के बारे में है. देखिए ये पॉइंट सेम है और सिंपल सा ही है कि वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है. इसका सिंपल मतलब यही होता है कि हमें अपने फिक्स्ड एसेट्स को ऑप्टिमल वे में यूज करना है. ऑप्टिमल वे मतलब क्या होता है कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है वो आइडल ना पड़े हो, खाली ना पड़े हो, और हम उसको फुली यूटिलाइज कर सकें. इसके लिए हमें एक सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए. अब वर्किंग कैपिटल मतलब स्टॉक वगैरह रॉ मटेरियल होना चाहिए ताकि हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को ऑप्टिमल वे में यूज कर सकें. अब भाई अब हमें ये चाहिए कि हमें कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए या कितने फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस पर, जो मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया. हमारा चैप्टर था ये, जहां पर हम कहते थे कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में या फिक्स्ड एसेट्स में या फिक्स्ड कैपिटल में फर्म को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. तो बेसिकली क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, वी एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ इधर टोटल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, ताकि जो हम अपने फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको एफिशिएंट और ऑप्टिमल वे में यूज कर सकें, ठीक है. तो इसमें इतना सही था, कोई ज्यादा इसमें टेक्निकल पार्ट नहीं है. तो इसमें लिखिए, इन ऑर्डर टू यूज फिक्स्ड एसेट्स इन एन
efficient and optimal way the firm must have sufficient working capital. WC here stands for working capital. Therefore, the estimation of working capital, the estimation of working capital depends upon the estimation of working capital depends upon the estimation of fixed capital, the estimation of fixed capital which ultimately depends on capital budgeting decisions, which ultimately depends on capital budgeting decisions. तो ये हमारा second point था. Now, the third part. Let me rub it. थर्ड पार्ट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, जो अभी आपने पिछले वाले चैप्टर में सीखी है, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, कि कितने टाइम के लिए हमारा जो पैसा है वो ब्लॉक होगा. तो ऑपरेटिंग साइकिल पहले मैं लिख देता हूं, वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल. तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल अभी आपको बताया कि कितने टाइम के लिए जनरली जो हमारे एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स में, जैसे स्टॉक डेटर, उसमें हमें कितने टाइम के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. अब इसमें क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल कभी भी ये नहीं बताएगा कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, हाउ मच अमाउंट वी रिक्वायर, बट ये हमें इसमें जरूर हेल्प करता है कि कितने डेज के लिए हमारा जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम कई बार ये भी देखते हैं कि हमारी साइकिल जो लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है वो बहुत बड़ी है या बहुत कम है, क्योंकि उसी के बेस पर हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो लिखिए the operating cycle for different components of working capital, for different components of working capital gives the time फॉर विच, वही ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग साइकिल में कितना टाइम लगता है एक एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, गिव्स द टाइम फॉर विच एन एसेट इज मेंटेन्ड, एन एसेट इज मेंटेन्ड फुल. ठीक है, वंस इट इज एक्वायर्ड कॉमा वंस इट इज एक्वायर्ड, जब आपने उसको खरीद लिया तो उसको कितने देर के लिए या कितने टाइम पीरियड के लिए हमें मेंटेन करना पड़ेगा. हाउएवर, जो भी मैंने आपको बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल does not talk about
does not talk about the funds invested, does not talk about the funds invested, but can definitely be used, but can definitely be used to estimate working capital requirement. Working capital requirement for any firm, किसी भी firm के लिए working capital requirement को study करने में help कर सकती है, ठीक है। फिर आपको पता ही है the different components of working capital can be classified as current assets and current liabilities। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आप इसको समझ जाना कि current assets और current liabilities में फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि जो वर्किंग कैपिटल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम किस में डिफाइन कर सकते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है, विच हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग, विच हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। आप कौन कौन से कंपोनेंट्स में देखिए, जैसे देखिए जब हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे, जैसे करंट एसेट्स की कौन कौन सी टाइप हो सकती है और करंट लायबिलिटीज के कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली देखिए सबसे पहले करंट एसेट्स में हो गया कि आपको कैश और बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस। सेकेंड you can say need of, or ऐसे लिखिए need for raw material, आपको raw material में invest करना पड़ेगा, need for raw material क्योंकि stock हो गया basically एक तरह से। work in progress, work in progress inventory, भाई वो गुड जो आधे बने हुए हैं अभी पूरे बन के तैयार नहीं हुए तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा आपका। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जो गुड्स बन के तैयार हो गए बट अभी बिके नहीं लेकिन पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया ना। और लास्ट यू कैन से रिसीवेबल्स, जिससे पैसा लेना है। तो देखिए करंट एसेट्स में आपका पैसा कहां कहां ब्लॉक होगा, कैश में रॉ मटेरियल जो भी माल कच्चा पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस जो आधा बना है आधा नहीं बना, जो माल बन के तैयार हो गया है उसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और डेटर को हमने माल तो बेच दिया बट अभी तक पैसे नहीं आए। वही मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब बताया था कि जब हमने स्टॉक को बाय किया उस दिन से लेकर जब तक हमने हमें फाइनल पेमेंट डेटर से नहीं मिल जाती, वो सारा टाइम गैप का मतलब ही क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल। और करंट लायबिलिटी में क्या आ जाता है, आपने उधार में मान लिया तो क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, सेकेंड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। तो ये हमारा जो था पार्ट, लायबिलिटी में जनरली ये रहता है, एक तो क्रेडिटर्स और आपने कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो थ्योरी में इसका ये कॉन्सेप्ट है।